दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जापान अब तक $2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और आज वो नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बन गया है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्यों जापान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्टेड होगा? तो इस जवाब की शुरुआत आजादी के पहले से होती है। जापानीज ट्रूप्स ने सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना किया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में जापान के हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। दूसरे कारण की बात करें तो जापान का विजन है कि इंडो पैसिफिक में सभी कंट्रीज के लिए ट्रेड रूट्स ओपन, फ्री और सुरक्षित रहें, और नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेटजिक लोकेशन उसे जापान के इस विजन का एक मेजर एलिमेंट बनाती है। तीसरा कारण है चाइना। चाइना के टेरिटोरियल एग्रेशन और BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए जापान ने एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया की ग्रोइंग इकॉनमी ने जापानीज इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। दोस्तों, इन कारणों के अलावा आपके हिसाब से वो कौन से कारण हैं जो जापान को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं?